हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो मेरा नाम है दीपक और मैं स्वागत करता हूँ आपका आपका प्यार चैनल दीपक बायोलॉजी क्लासेस में। दोस्तों आज हम देखेंगे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन जो कि निकला है राजस्थान लोक सेवा आयोग में अजमेर से। तो ये जो नोटिफिकेशन निकाला है, ये निकाला गया असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी से रिलेटेड। और आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि कितनी जो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी है वो कौन कौन सब्जेक्ट में, उसके नंबर ऑफ पोस्ट कितना है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ जो बेल आइकन उसे प्रेस कर लीजिए ऑल पे, ताकि आप मेरे किसी वीडियो को मिस ना कर सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा ये वीडियो। तो देखिए ये जो नोटिफिकेशन आया है ये राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन अजमेर से आया। तो देखिए यहाँ पे जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो वैकेंसी है वो निकाली गई है और ये जो वैकेंसी ये कॉलेजों के लिए हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसमें जो सब्जेक्ट है। तो देखिए यहाँ पे जो है ऑलमोस्ट जितने सब्जेक्ट है सबके लिए वैकेंसी को निकाला गया है, चाहे वो बॉटनी हो, चाहे केमिस्ट्री, मैथ, फिजिक्स, जूलॉजी, एबीएसटी, लॉ, इंग्लिश, ज्योग्राफी, हिंदी, हिस्ट्री। तो देखिए यहाँ पे जितनी वैकेंसी सब जो वैकेंसी को यहाँ पे निकाला गया है। और साथ ही साथ यहाँ पे देखिए जनरल एससी, एसटी, ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएससी कैटेगरी में जितनी भी वैकेंसी वो भी जो है यहाँ पे मेंशन की गई है। तो देखिए यहाँ पे जो नंबर ऑफ पोस्ट है बॉटनी में, फॉर एग्जाम्पल हम बॉटनी की बात करें तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ पोस्ट है वो 33 है, जिसमें जनरल के लिए 11 है, 3 है सामान्य के लिए, 1 है विधवा के लिए, 4 है सामान्य के लिए। तो ऐसे करके आप देख सकते हैं कि जो जनरल में भी जो सब कैटेगरी है उसमें भी जो है वैकेंसीज को यहाँ पे जो है निकाला गया है। तो देखिए ये जो है जनरल रिजर्व की कैटेगरी होगी, वैसे ही एससी जनरल की, एससी विधवा है। तो ऐसे करके देखिए सब में जो है कैटेगरी जो है वो मेंशन की गई है और उसमें जो साथ साथ जो पोस्ट है वो भी मेंशन की रखी है। साथ ही ओबीसी, एमबीसी और ईडब्ल्यूएस में भी जो है कैटेगरी को, कैटेगरी में वैकेंसी को निकाला गया है। तो आप जिस भी सब्जेक्ट के एलिजिबल हो आप उसके लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं। अब हम स्क्रॉल डाउन करते हैं और देखते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि आपको लोग को पता होने चाहिए। तो देखिए यहाँ पे अगर बात करें एलिजिबिलिटी की, तो यहाँ पे देखिए एलिजिबिलिटी में जो मांगा गया है वो आपका पीजी डिग्री होनी चाहिए 55% मार्क्स के साथ, ठीक है। और साथ ही साथ आपका कोई भी नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट जो नेट है, जो कि यूजीसी और सीएसआई कंडक्ट कराते हैं, वो क्वालिफाई होना चाहिए, या आपका जो स्लेट या सेट का एग्जाम है वो आपको क्वालिफाई होना चाहिए, तभी जो है आप इसके लिए एलिजिबल हैं। दूसरा क्या, अगर आप 2009 से पहले अगर आपने पीएचडी में रजिस्ट्रेशन किया है तब आपको नेट, स्लेट या सेट से आज़ादी मिलेगी। यहाँ पे आपको मतलब कि कोई भी नेट जो है वो मैंडेटरी नहीं रहेगा अगर आपने 2009 से पहले जो है पीएचडी रजिस्ट्रेशन किया है, ठीक है। साथ ही साथ इसमें यह भी बोला गया है कि आपका जो पीएचडी डिग्री होना चाहिए वो रेगुलर मोड में होना चाहिए और एटलीस्ट 2 आपके जो एग्जामिनर है उन्होंने आपका जो थीसिस वो इवेल्युएट करना चाहिए और आपका जो है लाइक वाइवा वॉस भी होना कंपलसरी है। और आपका अगर जो पीएचडी है उस पीएचडी वर्क से मिनिमम 2 रिसर्च पेपर जो है पब्लिश होने चाहिए अगर आप 2019 से पहले आपने रजिस्ट्रेशन किया है और आप अगर इस पोजीशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो इसके साथ ही इन्होंने एक और जो नोटिफिकेशन में बताया कि आपको जो है हिंदी की जो लिख हिंदी रिटेन इन देवनागरी स्क्रिप्ट, तो आपको जो हिंदी है देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखनी आनी चाहिए, उसकी नॉलेज होनी चाहिए और साथ ही साथ आपको राजस्थानी कल्चर का भी नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने कुछ और भी पॉइंट में आपको दिखा देता हूँ कि गुड एकेडमिक रिकॉर्ड मींस एन एवरेज ऑफ एटलीस्ट 55% मार्क्स 3 एग्जामिनेशन प्रोसीडिंग टू मास्टर डिग्री विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन ग्रेजुएशन एंड एनी वन ऑफ द सेकेंडरी हायर स्कूल, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इन्होंने बोला 55% मार्क्स आपके 3 एग्जामिनेशन में होने चाहिए, देखिए मास्टर डिग्री में 50% मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। इसके बाद आपका कोई सीनियर सेकेंडरी में या इक्विवेलेंट ग्रेड में पॉइंट स्कोर में वेयर एवर ग्रेडिंग सिस्टम इज फॉलोड विदाउट इंक्लूडिंग एनी ग्रेस मार्क्स, तो ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो मिनिमम 55% जो मार्क्स है वो आपका पीजी डिग्री में होना चाहिए या 50% मार्क्स जो है आपका पीजी डिग्री में होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें गेट पे स्केल की, तो आपको यहाँ पे 15,600 टू 39,100 का जो है वो लाइक ग्रेड पे आपको यहाँ पे मिलेगा और यहाँ पे जो मिनिमम एज है वो आपकी 21 ईयर होनी चाहिए और जो मैक्सिमम एज है 40 ईयर्स होनी चाहिए, ठीक है। तो 21 ईयर से 40 ईयर्स के बीच अगर आपकी एज है तो आप जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसको देखिए आयु सीमा जो है वो कैलकुलेट की जाएगी वो 1 जुलाई 2020 तक जो है वो कैलकुलेट की जाएगी। अब हम बात कर लेते कुछ और रिलैक्सेशन की, तो अगर आप मेल कैंडिडेट हैं और बिलोंग करते हैं एससी एसटी या ओबीसी से तो आपको जो है 5 ईयर का यहाँ पे जो है रिलैक्सेशन दिया जाएगा। तो ये है अगर आप राजस्थान के निवासी हैं, आपका राजस्थान का डोमिसाइल है तब।
वही वुमेन कैंडिडेट बिलोंगिंग टू जनरल कैटेगरी एंड राजस्थान स्टेट ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को भी 5 ईयर का मिलेगा। वही वुमेन कैटेगरी कैंडिडेट्स बिलोंग टू एस सी एस टी एंड अदर बैकवर्ड क्लास को 10 ईयर्स का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। विडो या डाइवोर्सी वुमेन के लिए कोई भी यहाँ पे जो है ए पर एज लिमिट नहीं रखी गई है। ठीक है, तो ये तो कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स थे जो कि रिलैक्सेशन से थे। अब हम देख लेते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट टर्म। तो देखिए यहाँ पे जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो स्टार्ट होगी 9 नवंबर से और जो इसकी लास्ट डेट है वो रहेगी 8 दिसंबर। तो ऑलमोस्ट 1 मंथ का टाइम यहाँ पे आपको दिया जाएगा अपना एप्लीकेशन को फिलअप करने के लिए। अब अगर आप एप्लीकेशन फिलअप करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे rpsc.rajasthan.gov.in पे जाके जो है आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो फिल कर सकते हैं। इधर कुछ इम्पोर्टेंट जो है लाइक इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं फिल करने के फॉर्म के, तो आप वो भी जो है पढ़ सकते हैं। ठीक है, यदि अगर आपने जो है जो लास्ट डेट अगर आपकी निकल गई उसके बाद अगर आप कोई भी जो है करेक्शन करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको जो है 300 रुपीज जो है देना पड़ेगा ऑनलाइन करेक्शंस के लिए या ऑनलाइन संशोधन के लिए। तो इसीलिए आप अपना फॉर्म जो है बहुत ही ध्यान से पढ़िए ताकि इसमें कोई भी गलती आपसे ना हो। अब हम बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फी की। तो देखिए अगर आप जनरल हैं ठीक है, तो या ओबीसी है तो आपको यहाँ पे, या अगर आप किसी अदर स्टेट के तो यहाँ पे आपको 350 रुपीज का जो है एप्लीकेशन फी पे करना पड़ेगा। वहीं अगर आप राजस्थान के ओबीसी हैं ठीक है, एनसीएल या नॉन क्रीमी लेयर हैं तो आपको 250 रुपीज का। वहीं अगर आप राजस्थान के एससी एसटी हैं तो आपको जो है यहाँ पे 150 रुपीज का जो है एप्लीकेशन फी यहाँ पे भरना पड़ेगा। अब हम बात कर लेते हैं रिटर्न एग्जामिनेशन की। तो यहाँ पे देखिए रिटर्न एग्जामिनेशन जो है वो 3 पेपर होंगे उसके, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3। आप जो पेपर 1 पेपर 2 होगा वो आपका जो है सब्जेक्ट रिलेटेड टू कंसर्न पोस्ट, मतलब अगर आपने बॉटनी से अप्लाई किया है तो यहाँ पे आपको बॉटनी के क्वेश्चंस मिलेंगे पेपर 1 पेपर 2 में। अब बात करते हैं मार्क्स की। तो देखिए यहाँ पे जो मार्क्स है मैक्सिमम मार्क्स वो 75 है और जो टाइम मिलेगा आपको 3 आवर में जो है आपको अपना पेपर सॉल्व करना पड़ेगा। पार्ट 2 भी 75 मार्क्स का है और यहाँ पर भी आपको 3 आवर में अपना पेपर जो है वो सॉल्व करना पड़ेगा। हम बात कर लेते हैं पेपर 3 की। तो पेपर 3 में जो जनरल स्टडीज ऑफ राजस्थान है इसमें जो है मैक्सिमम मार्क्स है वो 50 है और यहाँ पे जो आपको टाइम दिया जाएगा वो 2 आवर का दिया जाएगा। तो आई थिंक मे बी यूजीसी के रूल के अकॉर्डिंग अगर किसी भी स्टेट का अगर असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकालती है तो उस पार्टिकुलर स्टेट का जो जनरल स्टडीज है जनरल साइंस है उससे रिलेटेड एक पेपर होना ही होना है। ये हमने जितने भी नोटिफिकेशन मैक्सिमम सब में जो है वो है। तो इसके लिए आप जो है उस पार्टिकुलर स्टेट की जो है जनरल स्टडी जनरल नॉलेज को भी प्रिपरेशन करें। अब बात करते हैं इंटरव्यू की। तो यहाँ पे देखिए इंटरव्यू होगा वो आपका 24 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, तो इंटरव्यू आपका यहाँ पे रहेगा 24 मार्क्स का। अब बात करें सिलेबस की, तो सिलेबस जो है वो आपको मिलेगा आरपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे। ठीक है, तो आपको जो है जो भी आरपीएससी ने जो भी सिलेबस मेंशन किया है तो जो क्वेश्चन होंगे वो आपको उसी से मिलेंगे। अब बात करें कुछ और चीज़ की अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, तो देखिए मैंने मोस्टली आपके साथ जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है सारे मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं। तो अगर आपको किसी भी चीज में कोई भी डाउट हो या आपको कुछ भी पूछना हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें बिना ना जाएं। तो चलिए मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।